जेडीयू नेता और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब से कुछ देर पहले हुई जेडीयू की विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को किसी भी फैसले के लिए पार्टी के विधायकों ने अधिकृत किया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा संबंधित ये फैसला लिया। हम आपको बता दें, पार्टी की ओर से अधिकृत किए जाने के फौरन बाद नीतीश कुमार राजभवन जाकर अपना इस्तीफा गवर्नर को दिया। महागठबंधन की सरकार से इस्तीफा देने के बाद से बिहार में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। नीतीश कुमार एक बार फिर से करीब 1.5 साल के बाद अपने पुराने सहयोगी एनडीए में जा रहे हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि नीतीश कुमार राजभवन में अपना इस्तीफा सौंपने के बाद आज ही शाम को एक बार फिर से बिहार की कुर्सी संभालेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार वे एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार में बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और आज ही शाम में वे एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी की ओर से 2 चेहरे होंगे जो डिप्टी सीएम बनेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जो अटकलों और कयासों का बाजार गर्म था, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार से नाराज हैं, आरजेडी से नाराज हैं और एनडीए के पाले में जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने जो अटकलें हैं उसको एक बार फिर सच किया है और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और आज शाम में एक बार फिर वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और देश के इतिहास में ये एक रिकॉर्ड है, या यूं कहें कि इस रिकॉर्ड को किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे दर्ज भी कराया जा सकता है। तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब से कुछ देर बाद वे अपने सहयोगियों के साथ राजभवन पहुंचे और राजभवन में जाकर सीधे गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपा। उससे पहले जेडीयू के विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में जो विधायक हैं उन्होंने किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए सीएम नीतीश को अधिकृत किया और उसके बाद नीतीश कुमार ने जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया और बैठक के बाद सीधे राजभवन जाकर अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया। बने रहिए ताज़ा अपडेट के लिए आरएडी न्यूज के साथ। पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए राजनीतिक हालात जो है आप सभी लोग देख रहे हैं और हमारे पार्टी के नेता ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। आज हम लोग बैठक में जा रहे हैं, राज्य हित में, जन हित में, पार्टी हित में जो भी निर्णय लेंगे हम नेता के निर्णय। तेजस्वी यादव ने बड़ा प्रचार किया है पेपर में और लिखा है कि सारा कुछ हमने किया है, गारंटी ले रहे हैं। देखिए बिहार की जनता देख रही है, ये वक्त नहीं है ये सब बात कहने के लिए, पर्याप्त आगे हम समय है, हम लोग कहेंगे। मैडम जो नीतीश जी निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ, नेता के निर्णय के साथ निर्णय लेंगे। ये बिहार के हित में, देश के हित में माननीय मुख्यमंत्री का डिसीजन है जिसका हम सभी सम्मान करते हैं। सरकार तो वही है लेकिन बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग केंद्र के साथ जा रहे हैं, जाकर बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। पिछली सरकार में कंफर्ट नहीं थी, लोकसभा चुनाव में 40 सीट है, क्या सर होगा? 40 की 40 फिर से पुनः हम लोग एनडीए को की जीत को दोहराएंगे और बिहार अपनी जो पहचान है वो आगे बढ़ाएंगे। जो नौकरियाँ दी जा रही है, तेजस्वी ने रोजगार का क्रेडिट लिया है, हमारी उपलब्धि सिर्फ उनके परिवार को नौकरी अब जानते हैं ना मिलती थी, आज पूरे
बिहार की जनता जानती है कि किसको नौकरी किसके द्वारा मिली है और किसको दी जा रही है। उधर सब कुछ ठीक नहीं था, आप मानती हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो होगा आगे देखिएगा। आप मानती हैं उधर सब कुछ ठीक नहीं था मैडम? लास्ट बता दीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छे। जेडीयू टूटेगी नहीं ना? जेडीयू नहीं ना टूटेगी? इसमें कोई शक है कि जेडीयू हमेशा मजबूत रही है, एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों को साथ कदम मिलाकर आगे चली है और आगे भी चलेगी।